का चैनल मेरे बच्चों, कॉमर्स से जितने बच्चे टेन प्लस टू की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए मैं अकाउंट का सीरीज चला रहा हूँ। चैप्टर जो चल रही है वो है गुडविल। और मेरे बच्चों, गुडविल का अभी तक दो वीडियो मैंने अपलोड किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट किया है, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने उसको डीपली समझाया है। सेकेंड वीडियो में मैंने डॉक्टर एस के सिंह का बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी बुक से मैंने 1 to 9 क्वेश्चन करवाया है, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के अलावा पहले उस वीडियो को भी जरूर ध्यान से देखें। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी तरीके से समझ में आए तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकेंड वीडियो देखिए, फिर थर्ड वीडियो देखिए, ठीक है। आइए आज का जो सेशन है मेरे बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तीन मेथड होते हैं गुडविल निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अच्छा, ये सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे गुडविल निकालते हैं ये हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में आपको इसको समझा भी दिया है कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रूल्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। रूल्स कैसे रिवाइज करना है, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इससे गुडविल कैसे निकालते हैं, तो गुडविल निकालने का जो मेन रूल है असल में वो क्या है, सुपर प्रॉफिट को मैं शॉर्टकट में SP लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, SP गुने नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। टेंशन इसके बारे में लेना है कि क्या सर सुपर प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो सर इसको निकालेंगे कैसे, कोई तरीका तो होगा, सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ सुपर प्रॉफिट असल में होता क्या है। इससे थ्योरेटिकल पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सुपर प्रॉफिट क्या है वो समझाइए, ठीक है। इसके अलावा भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव सेशन में, ठीक है, कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो कि ए नाम का कोई आदमी है, ठीक है। इसने क्या किया कि ए नाम का कोई आदमी है, इसने एक्स नाम और वाई दो प्रोडक्ट के नाम से इन्होंने 1 लाख रुपया यहाँ लगाए, और मान लो कि 1 लाख रुपया यहाँ भी लगा दिए, ठीक है। नॉर्मली जनाब क्या करते हैं कि 10% कमाते हैं, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा दुकानदारों से कि किसी विशेष वस्तु को बेचता है तो उससे पूछना कि कितने परसेंट का धंधा है, तो वो कहेगा 10% का धंधा है, ठीक है। मान लो कि नॉर्मली ये 10% कमाता है, तो 10% का मतलब ये है कि ये नॉर्मली 10% इसमें कमा रहा है। मान लो कि ये 10,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। नॉर्मली इसने सोचा था कि नॉर्मली मैं 10,000 रुपया कमाऊंगा, ठीक है, दोनों पे। अब मान लो कि इस पर अगर मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो जाता है और यहाँ मुझे एक्चुअली में मैंने सोचा था कि एक्सपेक्टेशन क्या थी 10,000 की थी, लेकिन हमें वास्तविक में इस प्रोडक्ट में मुझे 15,000 के प्रॉफिट हुए, इस प्रोडक्ट से मुझे 10,000 के प्रॉफिट हुए, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये प्रॉफिट इस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, मतलब सुपर है ये मेरा। तो क्या कह सकते हैं आप कि इस प्रोडक्ट की जो गुडविल है वो इससे ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 5,000 रुपया इससे सुपर ज्यादा है, मतलब सुपर प्रॉफिट चल रहा है, राइट ना। फिर नंबर ऑफ इयर्स परचेज से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा गुडविल निकल जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है अब कि आप ये समझ लीजिए, सिंपली ये समझ लीजिए कि आपने अगर 1 लाख लगाकर, ठीक है, 1 लाख रुपया लगाया और आप 10% कमाने का चांस है आपका नॉर्मली कि 10% मैं कमाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट कहोगे कि सर मैं अपने कैपिटल पे पूंजी लगाओगे तब तो कमाओगे ना, अपने कैपिटल पे 10% कमाऊंगा, मतलब 10,000 रुपया कमाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में आपको जो पैसा प्रॉफिट मिल गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप इसको कहेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया, मान लो कि 15,000 मिल गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो 5,000 रुपया आपका है यही है सुपर प्रॉफिट, 5,000 माइनस 10,000 रुपये, समझ में आ गया होगा।
कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मेरा सुपर होता चला जाएगा, राइट ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो मेरा सुपर होता चला जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना कैसे है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है कि हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, पूरा लिख देता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट जब आप माइनस करोगे तो आएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और जितना ज्यादा होगा वही सुपर। याद रखना चाहिए कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर ये हमारे क्वेश्चन में ना हो और ये हमारे क्वेश्चन में ना हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का तो तरीका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, और नहीं भी जानते तो फिर समझ लीजिए, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो सूत्र है वो आप क्या करोगे कि टोटल प्रॉफिट आप ऐड कर लेना और नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जितने प्रॉफिट को आपने ऐड किया उतने से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को मैं शॉर्टकट में एनपी लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, एम्प्लॉयड होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने जो पैसा लगाया है उस पर जो आपका नॉर्मली रेट है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स है अपॉन 100 कर देना है, ठीक है, कि जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना, कि 10% का धंधा है मेरा, मान लो कि 20 2 लाख रुपया लगाया, 10% का आपका एक्सपेक्टेशन है कि 10% मैं कमाऊंगा, ठीक है, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपया होगा। अगर आपने एक्चुअल में 25,000 कमाया तो 5,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। इसको लास्टली आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मतलब यह है कि यह आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसमें किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है तो नीचे से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर समझे तो हमें सबसे पहले ये पता कर लेना होगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, उसके बाद मुझे ये पता कर लेना होगा एवरेज प्रॉफिट क्या है, उसके बाद हम ये पता करेंगे और देन हमको हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ये सोच कर चलेंगे कि मुझे कैपिटल एम्प्लॉय और एपी चाहिए ताकि मैं एसपी निकाल सकूं, और एसपी जब आ जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ढूंढेंगे क्वेश्चन में कहाँ पर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है, बस समझ में आ रही होगी। तो कैपिटल, अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझ गया ना, कि हमने इतना लगाया नॉर्मली मेरा इतना कमाई है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो हमको मिलेगा वो इससे ज्यादा अगर मिल गया तो जितना ज्यादा हमको मिल गया वही मेरा सुपर प्रॉफिट है, बात समझ में आ रही, सुपर प्रॉफिट है, और उसी को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ठीक है, गुडविल निकल जाएगा, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि सर कैपिटल एम्प्लॉय कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में नहीं दिए होते, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। आपके वैसे डॉक्टर एस के सिंह के बुक में इस टाइप की ऐसे कोई परेशानी वाले क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स पढ़ा होगा। अगर कहीं पर आपको कैपिटल की जरूरत पड़ जाएगी तो मैं उस रूल से वहां से निकालूंगा कैपिटल को, ठीक है, जब जरूरत पड़ जाएगी। कई बार एवरेज कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है, तो एवरेज कैपिटल दो ही प्रकार के कैपिटल होते हैं, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, दोनों को ऐड करेंगे, दो से भाग लगाएंगे, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कहता है, तो वहां पर हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि एसेट्स में कभी भी गुडविल के एसेट्स में जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वहां पर किसी तरह का कोई बनावटी एसेट, कृत्रिम एसेट, जिस संपत्ति जिसको कहते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को हम लोग एसेट मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है कि वो एसेट है, ठीक है, मान लेते हैं एसेट है, लेकिन इसी तरह वैसी चीजों को हम शामिल नहीं करेंगे। खैर परेशान न होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे, इतना तो बस याद रख लीजिए, है ना, वरना परेशानी बढ़ जाएगी कि बहुत सारी चीजें बात याद रखनी बार बार आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप बस इतना याद रखेंगे कि ये क्या है, पहले हमें कहाँ जाना है, पहले हमें एनपी एपी पता करना है ताकि मेरा एसपी निकल सके, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस घर तक पहुँचने के लिए हमें पहले ये मेन डोर, उसके बाद दरवाजा, उसके बाद फिर जो भी रूम हो सब खोलेंगे, घर में एंटर जाएंगे, मतलब समझ लीजिए, पहले हम एम पी निकालेंगे, फिर ए पी निकालेंगे, फिर एस पी निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे। जनरली आपके क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में ए पी दिया रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट और ए पी ये दोनों से हमारा एस पी निकलेगा, इन दोनों में डिफरेंस कर देंगे जो आएगा वो एस पी निकल जाएगा और ये आएगा, ठीक है। अच्छा
और ज़्यादा अगर बेहतर करें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक नंबर पे रख ले, क्योंकि इसमें से इसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो हम एक नंबर पे ये याद रखेंगे कि हम एपी पता कर लेंगे, फिर एनपी पता कर लेंगे, फिर जब इसको माइनस करेंगे तो ये एसपी निकल जाएगा, और नंबर फोर्थ स्टेज पे मुझे ये नंबर ऑफ लेयर्स 25 पता करके ये कर देना है, ठीक है। तो एपी में से एनपी माइनस करेंगे तो एसपी निकल जाएगा, ऐसे लिख देंगे एपी है ना माइनस एनपी, और जो हमारे पास आएगा वो एसपी, ठीक है। और जब एस पी आ जाएगा तो गुडविल कैसे निकालेंगे, है ना, गुडविल निकालेंगे एस पी गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे तो और बेहतर होगा, राइट। तो जब तक प्रैक्टिकल ना करेंगे तब तक थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिया है, जहाँ तक एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन था। आज हम लोग 9 से क्वेश्चन करेंगे, और मैं फिर बता देता हूँ कि डॉक्टर एस के सिंह की बुक है मैम हमारे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो बस इसको फॉलो करें, बस पढ़ते जाएं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफ़ी है आपके अकाउंट के लिए। अगर आप चलें देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। अ फॉर्म हैज कैपिटल ऑफ इतना 90,000, द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%। चलिए एक पहली बात तो मुझे वही पता चल रही, पहले हम स्टेप याद रखेंगे, एपी ढूंढ के लिख लेंगे, एपी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एपी हम ढूंढ के लिख लेते हैं। एपी दिया हुआ है, फॉर्म का वास्तविक लाभ क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट हम इसको लिख सकते हैं एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। एक्चुअली में आपने कमाया है 13 लाख, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, इसमें से लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। आपका एक्सपेक्टेशन था कि आप अपने 90,000 पे 10% का एक्सपेक्टेशन था कि आपने 90,000 रुपया लगा रखा था और 10% आप कमाते, ठीक है, मतलब 9,000 रुपया आप कमाते, ठीक है, और आपने कमाया कितना, 13,000 रुपया, बस समझ में आई। तो आपने सुपर प्रॉफिट कितना कमाया, आपने सुपर प्रॉफिट कमाया 4,000 रुपया, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल निकाल लेना है, ठीक है, गुडविल निकाल लेंगे तो 4,000 गुने नॉर्मल रेट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ढूंढिए कहाँ पर है, हाँ अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पे, सबसे लास्ट में लिखा है 4×3 = 12,000 रुपया, ये आपका हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 13,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा नहीं, हमको निकालना होगा कि 90,000 रुपया लगाया है उसने, कैपिटल एम्प्लॉयड उसका है। आप चाहे तो वर्किंग में और अच्छा से इसको लिख लें, एनपी बराबर लिख लें कि कैपिटल एम्प्लॉय आपका 90,000 रुपया है, कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉयड गुने रेट अपॉन 100, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय 90,000 × 10/100, ठीक है, 9,000 रुपया। बहुत आसान है, 9,000 रुपया आपका एक्सपेक्टेशन था, 13,000 आपने एक्चुअल में कमाया, तो 4,000 रुपया आपका सुपर प्रॉफिट है। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करिए, एक बार और अपने से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो चीज़ें दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है वो चीज़ आपको अपने से ही समझ में आएगी, ये बात आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक फॉर्म ने 20,000 रुपया, 6,000 रुपया, 12,000, 8,000 लागत लाभ 4 वर्षों में कमाया। हमारे पास प्रॉफिट 4 वर्षों का है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। हम क्या करें, तो एवरेज निकाल लेंगे सिंपली, क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं 20,000। आपको मैंने बताया कि जब एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे जितना को हमने ऐड किया, ठीक है। 4 को हमने ऐड किया, 4 साल है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 20,000, 20, 40,000, 40,000 और 6, 46,000 रुपया, ठीक है जी। इतना से जब काटिएगा तो ये आएगा 1,15, ठीक है, 11,500, ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक। अब आता है
एक फॉर्म मैंने 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 का लाभ कमाया। 20,000, 6,000, 12,000 एडिशन ठीक है क्या? 20, 20, 40, 6, 46,000 ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कहता है कि एपी तो आपका आ गया, एपी के बाद आप क्या निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में आपको कहा है, आपको देखना होगा कि हमने पूंजी कितना लगा और मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो 50,000 लगाए थे और 15,000 का एक्सपेक्टेशन है कि मैं 15,000 रुपया 15% में कमाऊंगा। ठीक है, 15 × 5 = 75, 750 रुपया है कि नहीं? तो 750 आपका एक्सपेक्टेशन था और आपने एक्चुअल में कितना कमाया? 11,500 कमाया। ठीक है, 750 एक्सपेक्टेशन था और आपने 11,500 एक्चुअल में 4 सालों में एवरेज औसतन कमाया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो शुभ प्रॉफिट है 11,500 - 7,500, ये 4,000 रुपया आपका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, और आप गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज को तलाशिए क्वेश्चन में, जहां दिया हुआ है ढूंढ कर निकालिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12,000 रुपया। ठीक है, बहुत आसान है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था, इस क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर हम उसमें से फिर नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बस इतना ही समझना है कि जितना मैंने लगाया है उसका कितना परसेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि 15% हम कमाते, लेकिन इसने कमाया 11,500। बहुत अच्छी बात है कि 4,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है अपने एक्सपेक्टेशन से, वही गुडविल है। ठीक है, और उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, 40,000 दिया पहले साल का, दूसरे साल का 50,000, तीसरे साल का 55,000, फोर्थ ईयर का आपको 70,000 और फिफ्थ ईयर का 85,000। ठीक है, अपॉन में क्या करना है, 5 कर देना है। क्लियर, तो इसको जब 5 दे देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 × 7 = 16, 160 हो जाएगा। 160 में 4 लाख 40 जोड़ेंगे 2 लाख हो जाएगा, और ये 50 50 से 1 लाख हो जाएगा। 3 लाख रुपया का आपका एवरेज ऊपर में टोटल प्रॉफिट है, 3 लाख रुपया, 33 लाख। ठीक है, अपॉन में 5 करेंगे तो 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो ना। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, आपका कैपिटल एम्प्लॉय 5 लाख रुपया है। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है आपके बुक में। ठीक है, 10% आप रिट है, आपका रिटर्न है, मतलब 5,50,000 रुपया का आपका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आप बताओ कितना कमा रहे हो एक्चुअल में? 10-60 हज़ार कमा रहे हो। आपका एक्सपेक्टेशन कितना था? 50,000 का था। ठीक है, तो आपका जो एसपी हो गया 60,000 - 50,000 कितना हो गया? 10,000 रुपये। ठीक है, आपका ये सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अब आप क्या करोगे कि इसको नॉर्मल गुडविल बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपका जो एसपी है उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज ढूंढो, कहाँ है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इयर्स परचेज नीचे 3 वर्षों के करें के आधार पर 10 से मल्टीप्लाई कर। ये क्वेश्चन मुझे बताना नहीं चाहिए था, आप बना लेते है कि नहीं? चलिए, 30,000 आपका आंसर है। छिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स बनाइए। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, भविष्य में एक फॉर्म का अनुमानित औसत लाभ है। अनुमानित औसत लाभ मतलब औसत लाभ वो कमाता है 1,36,000 रुपया, और व्यवसाय में उसने 7 लाख रुपया लगाया, और उस 7 लाख में 12% के का रेट ऑफ रिटर्न है। 12% उसका रेट है। ठीक है, कि वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं 7 लाख में 12% कमाऊंगा, लेकिन क्या है कि ठीक है, वर्ष के लाभ के में साझेदारों का प्रासंगिक 16,000 रुपया अनुमानित है। 16,000 रुपया प्रासंगिक साझेदारों को देना था, नहीं दिया है। आप क्या करोगे कि आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वो है 1,36,000 में से आप इस सैलरी को डिडक्ट कर दो। ठीक है, 16,000 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया हो जाएगा। और आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? जो आपका कैपिटल इम्प्लॉय है 7 लाख रुपया, ठीक है,
उसका क्या करोगे, 12% रेट ऑफ रिटर्न निकाल लोगे, ठीक है, 12 × 7 = 84, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 84,000 आएगा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000 - 84,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, यहाँ देख लो, 0,0,0,6 और 8 3 11 3600 हजार रुपया आपका सुपर प्रॉफिट आया है। गुडविल बराबर क्या आ जाएगा, बहुत ईजी, गुडविल बराबर क्या आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ इयर्स पर 2 साल दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, 36 × 72,000 रुपया, इधर क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए और खुद से भी समझने का प्रयास करिए। वो जो सैलरी दिया हुआ था वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट में ही शामिल करना था, नहीं किया है, अनुमानित है कि 7,000 को वेतन दिया जाएगा। आपको पता है कि 7,000 को सैलरी दिया जाता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक साझेदार ने साझेदारी फॉर्म में गत वर्षों का शुद्ध लाभ दिया हुआ है आपको 4 वर्षों का, ठीक है, उसके बाद फॉर्म का विनियोजित पूंजी 1,20,000 है, जोखिम को ध्यान में रखते हुए 10% का प्रतिफल है, मतलब 10% वो औसतन कमाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत लाभ अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति के मूल्य का गणना करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और भी इजी है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले एपी निकाल लेते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो 20,000 है उसको ऐड करो, और 28,000 को ऐड करो, और 22,000 को ऐड करो, और 34,000 को ऐड करो, कितने साल का है, तो 1 2 3 4, 4 से भाग कर दो, 34,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ 34,000 है, ठीक है। तो आप जब इसको 2,000 दे दोगे तो 30,000, 20,000, 50,000, 50, 70,000, 1,04,000 रुपया आपको यहाँ पर ऐड करके हो रहा है, 1,04,000, ठीक है। आप 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 × 8 = 6, 6 = 24, 26,000 रुपया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या कहते हैं, अब कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लो, इसने लगाया है 1,20,000 रुपया, 10% रेट ऑफ रिटर्न है इसका, ठीक है, तो 12,000 रुपये औसतन कमाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये एसपी क्या कमाता है, तो इसका एक्सपेक्टेशन 12,000 का था और 26,000 रुपये इसने एक्चुअल में कमाया, तो 12,000 में से 26 में से 12,000 माइनस कर दोगे तो 14,000 रुपये इसका एसपी आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, अब करोगे, गुडविल बराबर क्या आ जाएगा, 3 वर्षों के किराए के आधार पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14,35,000, ठीक है, क्लियर, क्या जी, मतलब ये है कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन थे सुपर प्रॉफिट मेथड के, किसी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है, कोई दम नहीं था। चलिए तो सुपर प्रॉफिट मेथड का सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 14 तक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, उसके बाद कुछ अदर वर्क के भी क्वेश्चन है सब देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होगी और आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर चीज़ टीचर अपने अनुसार समझाता है, स्टूडेंट को भी कुछ अपना अप्रोच लगाना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी सी ईमानदारी ये बरतनी है कि अपने से भी मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। एक बार जब बना लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान ये रहता है टीचर को समझने में, फर्स्ट टाइम जब आप व्यू करते हैं तो टीचर को समझने में ध्यान रहता है, सेकेंड टाइम जब व्यू करते हैं तो टीचर से ध्यान रखता है, क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, और थर्ड टाइम जब व्यू करेंगे आप तब जाकर 100% ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को कम से कम 3 बार तो पढ़िए, ठीक है, 3 बार कम से कम एक वीडियो को जरूर देखिए, और 3 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, जितने लोगों को आप जानते हैं उनको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपको बना कर दे सकूँ। और कौन जानता है कौन कितना अच्छा कर जाए, कोई नहीं जानता है, ठीक है। हो सकता है मैं अभी बहुत अच्छा ना कर पा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छा कर लूँ, ठीक है। तो उम्मीद लगाए रखिए, उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं है। चलिए मिलते हैं, आप जाते जाते एक बात मैं बता दूं कि इसके बाद भी सारे चैप्टर के वीडियो आएंगे,
इसके अलावा भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं एपीएस के, बीएसटी के, अकाउंट थ्योरी के, ऑब्जेक्टिव के, आप उन तमाम वीडियो को भी देखिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उसको जरूर व्यू कीजिए उसको, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। ये हम आशा आपसे करते हैं कि आप हमारे लिए थोड़ा सा एकदम छोटा सा काम कर दीजिए, हम आपके लिए एकदम बड़ा बड़ा काम करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।